ESAF Finance Bank Limited IPO के कंप्लीट डिटेल्स जैसे IPO के डेट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कंपेटिटर एनालिसिस एक्सेट्रा आप इस वीडियो से जान पाएंगे। इस तरह के डिटेल वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से एक है, जिसका फोकस रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स में उन कस्टमर्स पर है जो अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज यूज नहीं करते या अंडर बैंक्ड है। कंपनी इन एरियाज में लोन्स और डिपॉजिट फैसिलिटीज ऑफर करती है। IPO 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन है। टोटल इशू साइज 463 करोड़ है। इसमें से फ्रेश इशू है 390.70 करोड़ और OFS यानी ऑफर फॉर सेल इशू ₹72.30 करोड़ है। इस इशू का प्राइस बैंड ₹57 से ₹60 है और इशू का लॉट साइज 250 शेयर्स है। IPO का अलॉटमेंट डेट 10 नवंबर और डीमैट क्रेडिट डेट 15 नवंबर है। IPO के प्रोसीड्स को बैंक अपने टियर वन कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए यूज करेगी। इन सिंपल टर्म्स, अपने एडवांसेस बढ़ाने के लिए बैंक्स अपने कस्टमर्स को और लोन देते हैं। इस ग्रोथ के लिए बैंक्स के पास एडिक्वेट कैपिटल की जरूरत होती है जो IPO प्रोसीड से फुलफिल होगा। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ओवर पास्ट 3 ईयर्स डिक्रीज हुआ है बाय 31% इन FY22 एंड 17% इन FY23। प्रॉफिट केम डाउन बाय 92% इन FY22 बट ग्रू 452% इन FY23। ESAF के अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी का PE 8.94 है अगेंस्ट सेक्टर एवरेज ऑफ 28। एज ऑफ June 30, 2023, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का AUM यानी एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट ₹1,900 बिलियन पहुंच गया। ये उम्मीद है कि SFBs का AUM 2023 और 25 के बीच 22% से 24% CAGR से बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने इनिशियल ट्रांजिशन फेज पार कर लिया है और अपने ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। इसके अलावा रूरल सेगमेंट बैंक्स के लिए एक हाई पोटेंशियल एरिया है। रूरल सेगमेंट का इंडिया की GDP में 47% शेयर है, मगर इस सेगमेंट का देश के ओवरऑल क्रेडिट और लोन्स में केवल 8 से 9% शेयर है। यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की ग्रोथ के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जो देश की प्रगति में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट में टॉप 6 प्लेयर्स 85% AUM कंट्रोल करते हैं और ESAF का AUM शेयर 9% है। लिस्टेड पीयर्स के PE रेशियो आप देख सकते हैं, इनके कंपैरिजन में ESAF का PE रेशियो 9 है। ESAF ने एज स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में ऑपरेशन स्टार्ट किया और ये प्राइमरीली एक साउथ बेस्ड बैंक है, मेनली प्रेजेंट इन केरला एंड तमिलनाडु। ESAF रूरल और सेमी अर्बन सेगमेंट में प्रेजेंट है और मेनली अनबैंक्ड या लेसर बैंक कस्टमर्स पे फोकस करती है। कंपनी का ऑलमोस्ट 70% बिजनेस आउटलेट्स रूरल एंड सेमी अर्बन सेगमेंट में लोकेटेड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनके क्रेडिट या एडवांसेस का 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाना चाहिए। ये बैंक्स रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इन एरियाज में कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ESAF के प्राइमरी प्रोडक्ट्स एडवांसेस और लायबिलिटी यानी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं। एडवांसेस में माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स जैसे गोल्ड लोन्स, मॉर्टेजेस, पर्सनल लोन्स एंड व्हीकल लोन्स, MSME लोन्स, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एग्रीकल्चरल लोन्स शामिल हैं। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स शामिल हैं। कंपनी 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में 70 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करती है। बट ESAF का बिजनेस साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, पर्टिकुलरली केरला एंड तमिलनाडु में। ESAF के 60% से ज्यादा आउटलेट केरला और तमिलनाडु में है। ओवर 70% एडवांसेस एंड 85% डिपॉजिट्स इन स्टेट्स से आते हैं। बिटवीन 21 एंड 23 कंपनी का AUM ग्रो हुआ है एट अ CAGR ऑफ 39.22% एंड डिपॉजिट्स ग्रो एट अ CAGR ऑफ 27.66%। अब ESAF के मेन स्ट्रेंथ एरियाज की बात करते हैं। सिंस 1995 कंपनी के पास माइक्रो लोन सेगमेंट की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने होम स्टेट केरला से बाहर बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। ESAF के पास ओवर 32 लाख माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं हैं और रूरल सेगमेंट को सर्व करने की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल काफी है।
कंपनी रिटेल डिपॉजिट्स पे फोकस कर रही है और ये 20% CAGR से ग्रो हुआ है बिटवीन 21 एंड 23। ESAF अपने बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑफर करती है जो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी काफी अनसिक्योर्ड लोन्स पे डिपेंड करती है जो ज्यादा रिस्की होते हैं। ESAF के लिए साउथ इंडिया से बाहर एक्सपैंड करना भी एक चैलेंज होगा। नेगेटिव कैश फ्लोज कंपनी के ग्रोथ के लिए एक हिंड्रेंस हो सकता है।